एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी जी, कहिए। मैं आपसे बात करना चाह रहा था। क्यों? कुछ खास नहीं, बस वैसे ही आपका नाम वगैरह पूछना चाह रहा था, कहाँ रहती हैं ये जानना चाह रहा था। क्यों? वो मैंने एक कंपनी एस्टैब्लिश की है, उसमें आप वही हैं ना जिसके ऊपर उस दिन बस में पानी गिर गया था। जी। इत्तेफाक से आप उसके बाद हर दूसरे दिन बस में ट्रैवल कर रहे हैं, वजह जान सकती हूँ? शक्ल से तो शरीफ लगते हैं लेकिन आप नहीं, गलत समझ रही हैं आप। शक्ल से गुंडा लगता हूँ लेकिन हूँ शरीफ आदमी। देखिए, मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं है, मैं वैसे ही आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ आपको तंग करने के लिए। मैं बस आपसे मिलना चाह रहा था, आपका नाम जानना चाह रहा था। जी, अच्छा मैं समझाता हूँ आप। देखिए, यहाँ इस तरह बात क्या? मेरा मतलब है किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं या किसी कॉफ़ी कैफ़े वगैरह में बैठ के बात कर लेते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये जॉब आपके स्टैंडर्ड की नहीं है, आप अपना टाइम ज़ाया कर रही हैं ये जॉब करके। मैंने रिसेंटली एक कंपनी इस्टेब्लिश की है, उसमें एक सेक्रेटरी की नीड है मुझे, आप उस मैार पर पूरा उतरती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ज्वाइन कर लें, मैं आपको वो सब कुछ दूंगा जो आप डिज़र्व करती हैं। आपकी कॉल का वेट करूंगा, ये मेरा कार्ड है, ये रख लीजिए आप। सुल्तान दुरानी नाम है मेरा। अपनी ये सोच भी कैसे गया कि आपकी एक ऑफर पे मैं दौड़ी चली आऊंगी। मैं ये जॉब डिजर्व करती हूँ, मेरे स्टैंडर्ड की है या नहीं ये आपका मसला नहीं। और अगर आइंदा आपने मेरा पीछा किया या मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं मैनेजमेंट में इन्फॉर्म कर दूंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस में कंप्लेंट भी फाइल कर सकती हूँ। सुना आपने? जी बिल्कुल समझ आ गई। चलो क्या होता है, लेकिन क्या कर रही हो? एक दफा उसकी बात तो सुन लो, क्या हो सकता है कोई जरूरी बात कर ली। चलो शुक्र है तुम्हें नाम तो मालूम हुआ उसका, वरना पिछले एक माह से पागलों की तरह उसके पीछे भागे जा रहे थे। ये सब हुआ कैसे? और तुम जैसा स्टेटस कॉन्शियस, खुद पसंद, मगरूर लड़का, और कहाँ वो? ये बात कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रही। कौन सी बात? यही बात यार कि कहाँ तू और कहाँ वो, एक मामूली सी बस होस्टेस। इट्स कंप्लीटली अनबिलीवेबल। हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है यार, न जाने ये सब कैसे हो गया, कब हो गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। सुल्तान, मोहब्बत ऐसे ही होती है बिना सोचे समझे, विद इन अ सेकंड, पता भी नहीं लगता। और ये बात तुम्हें शायद इसलिए इतनी फील हो रही है क्योंकि वो एक आम सी लड़की है, और शायद पहली बार तुम किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए, पहली बार तुम्हारी किसी ने इतनी तसल्ली की। तुम शायद उसकी सादगी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए जब भी उसके पीछे इतना भागे जा रहे हो। इस तरह की लड़कियों को बहुत टैक्टिक्स आते हैं तुम जैसे लड़कों को फंसाने के, कभी अपनी हंसी से, कभी अपने आंसुओं से, कभी हवा में उड़ती अपनी जुल्फों से, तुम जैसे लड़कों पर बहुत वार चलाती। बेकार बातें ना कर मुझसे, वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। तू नाराज क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है तुझे वाकई में उससे मोहब्बत हो गई। पता नहीं यार, कभी कभी मुझे लगता है जैसे किसी ने मुझ पे जादू सा कर दिया है। मैंने जब से उसे देखा है मेरा दिल और दिमाग वहीं अटका हुआ है यार। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने से हटता ही नहीं। वो मामूली सी लड़की आज मेरी इतनी इंसल्ट करती रही और मैं चुपचाप उसे देखता रहा, एक लफ्ज नहीं बोला मैंने उसे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया है। क्या चाहते हो, प्रपोज करोगे उसे? पता नहीं यार, मैं बस इतना जानता हूं कि मैं उसके करीब रहना चाहता हूं,
मैं उसे जी भर के देखना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं उससे शादी कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं उसकी तवज्जो जरूर हासिल करना चाहता हूँ। सुल्तान, जो चीज़ पांच से दूर होती है ना, दिल उसी की तरफ खिंचा चला आता। तुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है ना, इसीलिए तू बहुत अट्रैक्ट हो रहा है उसकी तरफ। वो आम सी लड़की तुम्हें वॉर्न कर चुकी है, अब अगर तुम उसके पीछे गए तो वो सीधा पुलिस में कंप्लेन करेगी। कहाँ कंप्लेन कर देगी? पुलिस में। हाय मासूम, क्या तू कभी तो सीरियस हो जाएगा? सीरियस ही तुम यार, या फिर यूं कहूं कि जिंदगी में पहली बार सीरियस हुआ। हेलो, सुल्तान दुरानी बात कर रहा हूँ। कौन सुल्तान दुरानी? अरे इतनी जल्दी भूल गई आप? उस दिन बस स्टेशन पर मुलाकात हुई थी ना आपसे। आप? आपके पास मेरा नंबर कैसे आया? मेरे लिए किसी का भी नंबर ट्रेस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। उस दिन आपने बात करने का मौका नहीं दिया था, मैंने सोचा फोन करके आपको बता दूं कि बहुत बेचैनी के साथ आपके जवाब का मुंतजर हूँ मैं। किस जवाब का बेचैनी से इंतजार करें आप? अरे मैंने आपको जॉब ऑफर की थी ना। देखिए आप मुझे कोई गलत इंसान मत समझिएगा, मैं आपके साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आप जैसी लड़की इतनी मामूल सी जॉब की मुस्तैक नहीं है। आप अगर मेरे पास जॉब करेंगी तो मैं आपको जी शट अप, अगर आपने एक लफ्ज और कहा तो मैं मैनेजमेंट से मेरी कंप्लेंट कर देंगी। और अगर वही मैनेजमेंट मेरे कहने पर आपको जॉब से निकाल दे फिर क्या करेंगी आप? देखें, आपको जो करना है वो आप करें, बस मेरा पीछा छोड़ दें। नहीं छोड़ सकता। आखिर आप चाहते क्या है मुझसे? आपको जानना चाहता हूँ, आपके करीब आना चाहता हूँ, आपको अपनाना चाहता हूँ। जस्ट शट अप।
भाई टिकट क्यों नहीं दे रहे, बस तो खाली गई है। अरे भाई एक दीवाने ने सारे टिकट खरीद लिए, मगरिब के बाद दूसरी गाड़ी रवाना होगी, आप लोग आ जाइएगा। एक्सक्यूज मी जी, जी सर मुझे वो चाहिए था। वो क्या? वो न्यूज़पेपर। नहीं मुझे इंग्लिश न्यूज़पेपर चाहिए था। ये सर हमारे पास यही न्यूज़पेपर्स हैं। रियली? चलो कोई बात, थैंक यू। एक्सक्यूज मी एक मिनट। जी सर बहुत सख्त प्यास लगी है, कुछ है पीने के लिए? सर आप क्या लेंगे, जूस या पानी? आपको क्या अच्छा लगता है? नहीं मेरा मतलब है कि आप को जब प्यास लगती है तो आप क्या पीती हैं? तो मुझे पानी ला दी। सॉरी कुछ नहीं। लगता है पामीर ज्यादा ना पहली नजर में तुम पर मर मिटा। बेचारा तरस आ रहा है मुझे उस पर। तुम्हें उस पर तरस आ रहा है और मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। यार वो वाकई में तुम्हारे बारे में सीरियस है, तुम्हारी एक झलक के लिए हर दूसरे दिन बस में ट्रैवल करता है। वैसे तुम्हें उसकी एक बार बात सुन लेनी चाहिए, हो सकता है कोई ख़ास बात करनी हो, तुम्हें प्रपोज करना चाहता हो। मैं पागल हूँ जो उसकी बात सुनती और वो पागल है जो मुझे प्रपोज करता। क्यों तुम में ऐसी क्या कमी सिवाय इसके तुम गरीब खानदान से हो? फरियाल तुम्हें याद है तुमने खुद ही कहा था कि कभी गलती से भी किसी पैसेंजर से फ्रैंक मत होना। यार अब तुम उसका मुवाजना उस आवारा के साथ ही करने बैठ जाना जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो शक्ल से जाहिल निखट्टू और आवारा लगता है। मुझे कहता है अगर मैंने उसका प्रपोजल नहीं माना ना तो मुझे जान से मार डालेगा, क्योंकि वो तो शक्ल से शरीफ और किसी अमीर और बड़े खानदान का लगता है। तो तुम ये कह रही हो कि वो अमीर और रईस खानदान का लड़का मुझे प्रपोज करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ क्यों नहीं, मैं ऐसे लड़कों को अच्छे तरीके से जानती हूँ। एक वक्त में 10-10 लड़कियां फंसाई हुई होती हैं इन्होंने। शक्ल से ही एक नंबर का फ्लर्ट लगता है। अब अगर मैं ये सामने आया ना तो वो हशर करूंगी कि याद रखिएगा, पीछा करना तो दूर, सामने आने की भी हिम्मत नहीं करेगा। मैं कल कराची जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए सुल्तान के पास। बीजान मैं भी आपके साथ चलूं? ये जरूर चलो बेटा, मुझे तो बहुत खुशी होगी। सुल्तान तो सुबह का गया, रात को दफ्तर से आता है। अच्छा है मेरे लिए भी तुम्हारी कंपनी होगी। नहीं तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मॉम प्लीज जाने दें, प्लीज जाने दें, प्लीज। बीजान मुझे आपके पोते के बारे में कोई खबर मिली है? मौसूफ आजकल लाड़काना से कराची का सफर बस में कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस इंसान ने कभी बसेस की शक्ल नहीं देखी, सारी जिंदगी लैंड क्रूजर्स और प्लेन्स में सफर किया, वो अब क्यों बसेस में जाएगा? सुल्तान से ऐसी तवक्को की जा सकती है, उसे दूसरों की तवज्जो हासिल करने का बहुत शौक है।
मुझे बड़े बावसुख जराए से पता चला है। हो सकता है दिल बहलाने के लिए ये जैसे कह रही हैं एडवेंचर के तौर पे, आजकल के बच्चे ये तो इन चीज़ों में रहते हैं। और सुल्तान का तो तुम्हें पता ही है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया शौक चढ़ाता है उसे, और वो शौक जल्दी उतर भी जाता है। हमें इस लड़के पे नजर रखनी पड़ेगी। मैं जानना चाहता हूँ कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, उसका मकसद क्या है। बीजान, आप जा रही हैं, आप उसे समझाएं। जिस तरह की वो हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी है, उसे बिना सिक्योरिटी के इस तरह बसों में सफर नहीं करना चाहिए। खानदान का इकलौता वारिस है वो, अगर खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो गया तो हमारे तो खानदान का नामो निशान मिट जाएगा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो बेटा। अल्लाह उसे लंबी उम्र दे, अकल दे। अच्छा फिक्र नहीं करो, मैं जा रही हूँ ना, बात करूंगी उसे, समझाऊंगी। बीजान, अब समझाने बुझाने से काम नहीं चलेगा। आप उसको नवीन से शादी के लिए तैयार करें। इतना बजट देखभाल के बनाया करो। मैं साइन तो कर रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसका ख्याल रखना, जाके अकाउंट से ले लो पैसे। अस्सलाम वालेकुम। नरमीन बात कर रही हूँ। जी जी मैडम, कैसी हैं आप? सुल्तान ऑफिस में है? जी जी ऑफिस में। अकेले हैं कि कोई साथ है? दोस्त के साथ हैं, कॉफी पी रहे हैं और काम भी हो रहा है। दोस्त लड़का है या लड़की? लड़का है। वो फवाद साहब को तो आप जानती हैं, रोज ही आते हैं सर से मिलने। अच्छा सुनो, मैं कल कराची आ रही हूँ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो फ्री रहना। जी ठीक ठीक है मैडम। मैं चाहती हूँ कि तुम सुल्तान की सारी एक्टिविटीज पे नजर रखो, वो कहाँ जाता है, क्या करता है और किससे मिलता है। इस सब की इन्फॉर्मेशन तुम्हें मुझे फोन पे देनी होगी। ये क्या कह रही हैं मैडम आप? अगर सर को पता चल गया मेरी नौकरी तो। तुम्हारे सर को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरा काम करोगे तो तुम्हारी सैलरी से डबल पैसे मैं तुम्हें दूंगी। देखो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो तुम मुझे दे चुके हो, अब बस ये पता करना है कि वो लड़की है कौन, कहाँ रहती है और उसका सुल्तान से रिश्ता क्या है। बल्कि हमें उसको सुल्तान की जिंदगी से निकालने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वो बात की बात। अभी तुम ये इन्वेस्टिगेशन शुरू करो और जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा। ये 5 लाख रुपए एडवांस, बाकी पैसे काम होने के बाद। नगीन, क्या हुआ, रुक क्यों गई? क्या हुआ? नगीन, ये वो, ये कौन? वो तुम्हें मैंने बताया था ना, एक लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे धमकियां देकर फोन पे, वो यही। आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, देखना कैसे पुलिस के नाम से भागता है ये बुजदिल इंसान। नहीं नगीन, तुम इससे कोई बात नहीं करोगी। लेकिन क्यों? ये मेरा मसला है, मैं खुद टैकल करूँगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम बस 2 मिनट यहाँ रुको, मैं इसका दिमाग दुरुस्त करके आती हूँ। फिर यहाँ गए? तुम जैसा घटिया इंसान मैंने नहीं देखा। क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर होकर आता हूँ, मैं ना देखूं तो सुकून नहीं मिलता मुझे। बस एक बार हाँ कह दो, मैं तंग करना छोड़ दूँ, मैं पीछा करना छोड़ दूंगा। प्लीज बस एक बार मुझे आई लव यू। तुम्हें
मैंने कहा तो है मेरे पीछे छोड़ दो। ठीक है, तुम ऐसे बाज नहीं आओगे। इस बार मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करूंगी। जिसको कंप्लेन करनी है करो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुम आखिर चाहते क्या हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? तुम्हें चाहता हूँ, बेपनाह चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें कहा तो है मेरी मगनी हो चुकी है, 10 दिन बाद मेरी शादी है। मेरा पीछा छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। तुम्हारी शादी मेरी लाश पर से गुजर के होगी, अभी इसी वक्त हाँ बोलो, वरना वो हाल करूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। ये धमकियां जाके ना किसी और को देना, मैं तो तुम पे थूकना भी पसंद नहीं करती। शादी करना तो बहुत दूर की बात है, अरे तू जैसा ऐवान नंबर शख्स तो इंतजार के लाने के भी लायक नहीं है। नहीं मानोगी? नहीं मानोगी, मैं कभी नहीं मानोगी। पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम तो मेरे मिजाज से वाकिफ हो, जिंदगी में इतनी सारी लड़कियां आई और चली गईं, लेकिन मेरा दिल किसी एक पे टिक के कभी नहीं रहा। शायद यही वजह है कि मैंने शादी आज तक नहीं किया। लेकिन इस बार एक अजीब सी बेचैनी है यार। बेचैनी वो तो नजर आ रही है, ऐसे ही थोड़ी तुम उसकी एक झलक देखने के लिए बार बार भागे जाते हो। ये मोहब्बत नहीं तो क्या है सुल्तान? पता नहीं ये सब क्या है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। यस, सुल्तान एक बात तो माननी पड़ेगी। ये पहली वाहिद ऐसी लड़की है जिसने तेरी दोस्ती रिजेक्ट की है। ना सिर्फ दोस्ती की ऑफर रिजेक्ट की, तेरी बहुत इंसल्ट भी की। खैर इस बार तो मैंने भी जिद पकड़ ली है, उससे दोस्ती करके रहूंगा। वैसे ये बात दोस्ती की हद तक ही रहेगी या उससे आगे भी बढ़ेगी? यार फिलहाल तो मैं उसका दिल जीतना चाहता हूँ, उसकी तवज्जो हासिल करना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ उसे। लेकिन उसने अगर ज्यादा अकड़ दिखाई ना मुझे तो बताऊंगा उसे कि मैं कौन हूं। नगीन फैयाज नाम है उसका, और वो एक प्राइवेट बस कंपनी में बस हॉस्टेस की जॉब करती है। What? सुल्तान साहब बुरी तरह उसके इश्क में गिरफ्तार हैं और सिर्फ उसे देखने के लिए बस में सफर करते हैं। नाजरीन, औरत को हरासा करने का एक और वाकया मंजर यहाँ पे आ चुका है। एक नामालूम शख्स बस हॉस्टल पे तेजाब फेंक के फरार हो गया है। लड़की की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। डॉक्टर साहब, फरियाल की दोस्त हूँ मैं, नगीन। फरियाल अब कैसी है? उसका चेहरा बहुत ज्यादा जल गया था ना, मैंने बहुत सारे एनजीओ से बात की है, वो कह रहे हैं वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं, उसकी सर्जरी करवा देंगे। मुझे बताएं वो कैसी, वो ठीक है ना? देखिए उनका सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि जिस्म के कुछ अज़ा भी बुरी तरह झुलस चुके हैं। हम पूरी कोशिश के बावजूद भी उनको बचा नहीं सके। आई एम वेरी वेरी सॉरी।
आप उनके फैमिली को फौरन इत्तला कर दीजिए और हो सके तो पुलिस को। यहाँ जब कोई लड़की घर से बाहर निकलती है ना, तो हर मर्द उसे हवस की नजर से देखता है। हमारी जॉब भी नौयत ही कुछ ऐसी है, अजीब अजीब लोगों से सामना करना पड़ता है। हरासमेंट इस मुल्क के हर शोबे हर इदारे में, बड़ी बड़ी कंपनीज में भी लड़कियों को हरासा किया जाता है। अब आखिर कब तक अपने माँ बाप पर बोझ बने रहेंगे? हमें तो अपना जहेज भी खुद बनाना पड़ता है। तो शक्ल से जाहिल निखट्टू और आवारा लगता है। मुझे कहता है अगर मैंने उसका प्रपोजल नहीं माना ना तो मुझे जान से मार डालेगा। एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। चाहते क्या हो? क्या मसला क्या है? क्या चाहते हो? क्या मतलब है क्या कर रहे हैं? हम कवरेज कर रहे हैं यहाँ पर। क्या लगती है विक्टिम की? तुमसे मतलब? इनकी रूममेट भी है। इनके सामने इनकी दोस्त पे तेजाब फेंका गया। सुने सारा वाकया आपके सामने हुआ है? हमारी इत्तला के मुताबिक तेजाब फेंकते ही मुजरिम फरार हो गया था। क्या मुजरिम को जानती है? क्या आप जानती हो चढ़ी हो किसी तेजाब वाले? यकीन नहीं आ रहा कि सुल्तान का स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ निकलेगा। एक मामूली सी बस होस्टेस के प्यार में पागल हुआ फिर रहा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। अब मुझे समझ आया कि वो हर दूसरे दिन बस का ट्रैवल क्यों करता फिर रहा था। ओह माय गॉड, मुझे तो ये सोचते हुए भी घिन आ रही है। सुल्तान जैसा लड़का और वो चंद हजार रुपए कमाने वाली लड़की, अगर अफेयर चलाना ही था तो किसी स्टेटस की लड़की से चलाता, मेरे बराबर की तो होती। मेरा तो दिमाग फट रहा है ये सोच सोच के कि पूरी दुनिया में उसे वो 2% की बस होस्टेस ही मिली थी चक्कर चलाने के लिए। बीजान को बताया तुमने? नहीं, फिलहाल तो नहीं। अभी तो मैंने उसकी एक्टिविटीज पे नजर रखी, कुछ इन्वेस्टिगेटर्स भी लगाए हैं उसके पीछे। सारे सबूतों के साथ जलील करूंगी उसे बीजान और डैड के सामने। समझ क्या रखा है उसने मुझे? उन 2% की लड़कियों को मुझ पे फौकियत देगा और मैं यहाँ चुपचाप तमाशा देखती रहूंगी। हाँ, हौसले से काम लो बेटा और गुस्से को काबू में रखो और ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना बेटा कि मामला सुलझने के बजाय उलझ जाए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मॉम, इस वक्त मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आपको पता है मैं अपनी सेंसेस में नहीं हूँ। दिल चाह रहा है कि अभी बंदूक लेके उस लड़की को जान से मार दूं। सुल्तान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। हेलो दरमीन,
नाज़रीन इस वक्त हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम पाक बस ट्रेवल पर और यहाँ पर एक न्यूज़ मिली है कि लड़की पर तेजाब फेंका गया है। ये है ब्रेकिंग न्यूज़, लड़की पर तेजाब फेंका गया है। सबसे पहले आप ये न्यूज़ हमारे चैनल पर देख रहे हैं। बस होस्टेस थी, मासूम थी, ये खातून थी, इन पर ये तेजाब फेंका गया है। और ये वाकया पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, ये सब हम मालूम करेंगे। तो बढ़ते हैं हम जरा लोगों की जाने और अरे अरे सुल्तान साहब हैं, आने दो उन्हें। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप यहाँ कैसे? यहाँ से गुजर रहा था मैं, रश देकर रुक गया हूँ। क्या हुआ है यहाँ? सर एक ऐसे अटैक की वारदात है, लड़की ने शादी से इनकार कर दिया था तो उसका तेजाब फेंक कर कत्ल कर दिया गया है। खैर तमाम शवाहदात मिल गए, मुजरिम जल्दी सलाखों के पीछे होगा। लड़की का नाम क्या था और कहाँ की रहने वाली थी? सर ये जंग से ताल्लुक है इसका, परियाल अहमद नाम है लड़की का। अब बेफिक्र हैं सर, हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। सर मेरा सलाम दीजिएगा दुरानी साहब को। हाँ वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन बस स्टैंड का ये वो पिछला हिस्सा है जहां फरियाल नामी बस होस्टेस पर तेजाब फेंका गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कातिल मोटरसाइकिल पर सवार था और मौका मिलते ही फरियाल पर तेजाब फेंककर चाय वकुआ से फरार। कुछ पता चला? मैडम ये वो लड़की नहीं है जिसका मर्डर हुआ है। साहब भी बड़ी परेशानी में दफ्तर से निकले, मेरे ख्याल में बस स्टेशन ही गए। मैं तुम्हें लाखों रुपए इस चीज के दे रही हूँ कि तुम तुक्के लगा के मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दो। इतनी देर से कह रही हो सुल्तान के पीछे कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेटर लगाओ, मुझे उसकी एक एक पल की पक्की पक्की रिपोर्ट चाहिए। अब तुम एक काम करो कि सुल्तान और नगीन की इकट्ठे वीडियो और पिक्चर प्रूफ बनवाओ। ठीक है मैडम, मैं कोशिश करता हूँ। नगीन फयाज, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इस बार तो तुम बच निकले, लेकिन अब मेरे हाथों से तुम बच नहीं पाओगे। सुल्तान के साथ दोस्ती तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मैं तुम्हें और सुल्तान को इस शहर में इतना जलील और बदनाम कर दूंगी कि सारी जिंदगी लोगों से मुंह छुपाते फिरोगे। सुल्तान अगर मेरा ना हो सका तो उसे मैं तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी।